गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा रेवेटी आर्किटेक्चर के जो प्रोजेक्ट है बनता है, तो उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से पैनल्स, कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं। तो रेवेट आर्किटेक्चर के लिए मैंने देखी, मैंने ये रेवेट का जो होम पेज होता है वो मैंने खोल के रखा हुआ है, और इस रेवेट होम पेज पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेरे कई सारे पैनल्स लगे हैं आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंपोर्ट, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स वाले स्क्रीन आप देख सकते हैं और एक फैमिलीज वाली स्क्रीन देख सकते हैं, और ये वाली जो होती है ये एक सैम्पल फाइल होती है, ये जो लिखा अपनी सैम्पल फाइल होती है रेबिट की, और यहाँ पे मेरे कुछ दो तीन जो प्रोजेक्ट होते हैं जो मैंने बनाए हुए होते हैं। तो रेबिट आर्किटेक्चर शुरू करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे मैं किसी प्रोजेक्ट जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं ओपन कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे नया प्रोजेक्ट्स बनाना हो आर्किटेक्चर में, मैकेनिकल में या फिर स्ट्रक्चर में, तो मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि यहाँ पे मैं एक रेबिट प्रोजेक्ट देता है डिफॉल्ट एक क्रिएट करता हूँ कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में। तो आज मैं आपको आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट बनाने बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास आर्किटेक्चर ये टेम्पलेट है, इसमें मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया है, तो ये अब एक आर्किटेक्चर जो टेम्पलेट फाइल है उसमें खुली है। अब ये आर्किटेक्चर आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास जो रेबिट की आर्किटेक्चर जो टेम्पलेट फाइल है वो सामने खुल गई है। इसके सामने आप सामने ऊपर देख सकते हैं ये पैनल है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सिस्टम इंसर्ट एनोटेट एनालाइज, और आप ये देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर वाला एक पैनल है जिसके अंदर आपके एक मॉडिफाई वाले जो टूल है वो है। फिर हमारे पास एक बिल्ड वाले टूल है जिससे हम विंडोज वॉल्स कंपोनेंट्स मैकेनिकल कंपोनेंट्स कॉलम्स रूफ्स क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे हमारे पास यहाँ पे है कि कोई भी अगर रेलिंग हमें रैम्प या फिर स्टेयर क्रिएट करनी हो। दूसरा हमारे पास है पैरामेट्रिक टैक्स जो हमें क्रिएट करने रहते हैं, इट मीन्स अगर मुझे किसी घर या रूम को नाम देना हो। तो फिर दूसरे बात आती है कि मेरे पास एक रूम वाला टूल है जिसमें जितने भी मेरे रूम हैं मैं उन रूम को टैगिंग कर सकता हूँ, उन रूम के कलर स्कीम दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सीजन। फिर यहाँ पे एक बुकिंग लिखा है, तो उसके लिए सब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एट द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट ब्राउजर दिख रहा है। तो मैंने एक ही ब्राउजर खोला जो कि प्रोजेक्ट ब्राउजर है, और इसी प्रोजेक्ट ब्राउजर के आप नीचे दे सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्यूज़ हैं। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्यूज़ क्या है कि व्यू जो मुझे जैसे फ्लोर है तो फ्लोर पे मुझे कई सारे दो अभी यहाँ पे तीन व्यू दिखा रहे हैं फ्लोर प्लान के, लेवल वन लेवल टू और साइड। अगर मुझे कोई सीलिंग प्लान का व्यू देखना हो तो लेवल वन लेवल टू यहाँ पे, और अगर मुझे एलिवेशन पे देखना हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो यहाँ पे मेरे वो वाले भी व्यूज़ हैं, और इन व्यूज़ को मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं आप ये सबसे पहले आते हैं कि मुझे अगर एलिवेशन वाले जैसे व्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन पे गया हूँ नॉर्थ एलिवेशन पे, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ एलिवेशन एक नई विंडो खुल गई यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नॉर्थ एलिवेशन खोलने पे यहाँ पे मेरे पास दो लेवल दिख रहे हैं, लेवल वन और लेवल टू। लेवल वन आप देख सकते हैं जिसकी जो हाइट है वो जीरो एलिवेशन है, जो 0 feet 0 inch है, और लेवल टू 10 feet 10 inch है। तो ये मेरे पास एलिवेशन होते हैं, ये है नॉर्थ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मुझे साउथ वेस्ट वैली चाहिए तो मुझे साउथ और वेस्ट वैली भी एलिवेशन मुझे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अगर ये जो लेवल है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल, ये आप देख सकते हैं मुझे अगर लेवल की हाइट कम या घटानी बढ़ानी है तो मैं इस लेवल पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसकी हाइट में घटा बढ़ा सकता हूँ। जैसे मुझे अगर 1 feet और बढ़ानी है तो मैंने इसको इंटर कर दिया, अब देखिए ये 11 फीट का हो गया है। अभी मैंने इस लेवल को कोई भी नाम नहीं दिया है,
अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लेवल को, मीन्स अगर मैंने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आप देखिए कह रहा है वीडियो लाइक टू रीनेम द कॉरेस्पॉन्डिंग द व्यूज, इट मीन्स मैं ये वाले व्यूज में क्या मैं नया नाम देना सकता हूँ? नो, आई कैन नो, तो मैंने नो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया फर्स्ट फ्लोर, बट अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है लेवल को, ये मेरा लेवल क्रिएशन हो गया है। अब इस आर्किटेक्चर पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल हैं मैं ये कैसे क्रिएट करूँगा, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल है, डेटम फाइल, डेटम टैब है, तो वहाँ पे मैं जा सकती हूँ। यहाँ पे लेवल ऑफ ग्रिड होता है, ग्रिड यूज़ होता है कि जब बिल्डिंग डिज़ाइन में जब हम रूम का स्पेस एलोकेट करते हैं या फिर एलोकेशन करना हो तो उसकी जो बाउंड्री क्रिएट करते हैं वो हम ग्रिड से करते हैं, और अगर हमें कोई लेवल क्रिएट करना हो व्यू से, किसी पर्टिकुलर व्यू से, तो हम लेवल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेवल क्रिएट किया है, अब यहाँ पे लेवल क्रिएट करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफसेट हमें मुझसे मांग रहा है कि कितने का ऑफसेट आपको डालना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक और मैं टैब देख सकता हूँ जहाँ पे ड्रॉ लिखा हुआ है, पैनल लिखा हुआ है। ओके, इस ड्रॉ पे जाऊँगा और यहाँ पे आए देख आप देख सकते हैं पैन, यहाँ पे लाइन या फिर मैं सीधी एक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करी और मुझे इसका ऑफसेट देना है, तो मैंने यहाँ पे 10 फिट दे दिया ऑफसेट। ओके, और यहाँ पे ये देखिए प्लान व्यू बता रहा है, मेक अ प्लान व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके अभी मेरे पास जो व्यू है यहाँ पे मैं एक प्लान व्यू में गया हूँ, तभी मेरे पास व्यू सीलिंग प्लान, फ्लोर प्लान और स्ट्रक्चर प्लान, मुझे अभी केवल फ्लोर प्लान चाहिए, तो मैं केवल फ्लोर प्लान क्रिएट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैंने 10 फीट पे एक लेवल मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, मुझे अगर फिर मुझे क्रिएट करना होगा प्लान, तो फ्लोर प्लान पे फिर क्रिएट किया मैंने। ओके, और यहाँ पे एक और मैंने प्लैनेट व्यू जो है फ्री क्रिएट कर दिया है। अगर मुझे 20 मंजिल या 40 मंजिल वाली बिल्डिंग हो तो मैं लेवल क्रिएट कैसे करूँगा, उसके लिए मेरे पास टैम्पसिंग वाला है, मैं ये डाटा में आप जा रहे हैं लेवल पे जा रहे हैं, इसी पे जाऊँगा यहाँ पे लेवल पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पिक पॉइंट, तो मैं इस पिक पॉइंट को क्रिएट करूँगा और यहाँ पे जितने भी ऑफसेट हैं मैं यहाँ पे 10 का ऑफसेट डाल दूँगा, इंटर कर दूँगा, और इसको मैं हर एक लिंक पे क्रिएट करता रहूँगा जिससे एक हर एक आपकी लिंक क्रिएट हो जाएगी, मुझे कोई दोबारा ऑफसेट डालने की ज़रूरत नहीं है ना मुझे ठीक करनी, केवल मैंने ये वाली कमांड यूज़ करी है जिससे मैं जितनी भी फ्लोर वाली जो बिल्डिंग होती है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि लेवल का क्रिएशन कैसे है। अब बात आती है कि अगर मैं ये जो लेवल वाला है जो फर्स्ट पॉइंट है लेवल लेवल वन, सो उसके लिए यहाँ पे फ्लोर प्लान का जो व्यू है मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, हाउस क्रिएट करना है जिसकी बाउंड्री हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ग्रेड पे जाऊँगा। ओके, मुझे कितने भी का भी मेजर लेना हो मैं मेजर ले लूँगा, सपोज़ यहाँ पे मैं गया हूँ, यहाँ पे लाइन पे जा रही है, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टली पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं जो ग्रिड क्रिएट करा है
अगर मैं घर ले रहा हूँ 1000 स्क्वायर फीट का, तो 1000 स्क्वायर फीट सपोज स्क्वायर फीट नहीं मान कर कि मैं एक घर ले रहा हूँ 900 स्क्वायर फीट का, तो 900 स्क्वायर फीट का 80 फीट का इधर मैं ले रहा हूँ, 16 फीट का इधर ले रहा हूँ, तो 18 फीट का इधर लेने पे मैं यहाँ पर ऑफसेट आऊँगा। यहाँ पे देखिए ऑफसेट है 18 फीट, मैंने 18 फीट पे क्लिक किया और पिक लाइन पे गया हूँ, 18 फीट है, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे देखिए 18 फीट का होगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे 16 फीट के बीच की दूरी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अज्यूम ले लिया कि 18 फीट का घर है और 16 फीट का वो है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गड़ा बनाऊँ, ओके ये बन गया। फिर उसके बाद मैं पिक पॉइंट पे जाऊँगा, ऑफसेट मैंने 18 ले रखा है, 18 रहने दीजिए अगर 18 की ज़रूरत है, तो मैंने 18 पे कर दिया। अब देखिए 18x18 का ये एक स्क्वायर फिट, 18x18 स्क्वायर फिट का एक मेरे पास घर बन गया है। तो ये मेरे ग्रिड के यूज़ करने की कमांड है। अब जो ये मेरा जो ग्रिड है, इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबरिंग डली हुई है। ओके, इसके नंबरिंग डली है, इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ग्रिड का आ गया, और यहाँ पे दिखा रहा है सर्कल शेप का है सिंबल, एंड सेगमेंट में है ब्लैक कलर का टॉप। मैंने इसको लॉक कर दिया और यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ। अगर मैं कैप्स सिंबल में देना चाहूँ तो सिंबल में दे सकता हूँ, जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पर लॉक करके। मैं यहाँ पे 20 का दे सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसके जो ग्रिड हैं वो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली मैंने उनको 1, 2, 3 दे रखा है, यहाँ पे ABC दे रखा है। ये मेरे ग्रिड जो यूज़ करूँगा, ग्रिड यूज़ करने का मेरा ये है। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे जो पैनल लगे हैं, यहाँ पे टूल्स हैं कई सारे। ये सबसे पहला टूल्स है वॉल्स का, जिससे मैं कोई भी वॉल्स होंगी नॉन स्ट्रक्चरल जो वॉल होंगी वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा डोर्स का, मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है तो मैं डोर्स ऐड कर सकता हूँ। तीसरा विंडो कंपोनेंट, कंपोनेंट इट मीन्स मैकेनिकल कंपोनेंट, अगर मुझे कोई चेयर, कोई टेबल, कोई लाइटनिंग इक्विपमेंट, कोई भी मुझे इस बिल्डिंग में ऐड करनी है तो मैं इस टूल्स की मदद से कर सकता हूँ। दूसरा कॉलम, अगर मुझे कोई कॉलम लगाना है, पिलर्स, राउंड, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, हाई सेक्शन, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ।
दूसरा ये इसके बाद आता है व्यू। अगर मुझे छत डालनी है तो मैं ये आर्किटेक्चर जहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर सीलिंग, स्लैब, कर्टन, ये कई सारे जो हैं मेरे पास टूल जो है वो मेरा आर्किटेक्चर में मदद करेंगे, ठीक है। फिर एक और मेरे पास आता है ये ओपनिंग वाला आता है, जिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब काम करता है, जब कोई वॉल या फिर वॉल में जब हमको विंडो लगानी होती है तो हम इसको कट या पोर्शन कर सकते हैं, या फिर मेरी कोई फ्लोर है, फ्लोर से ऊपर मेरा कोई जीना जा रहा है तो वहाँ पे मुझे अगर कोई सेक्शन काटना हो रूप पे तो मैं वहाँ पे एक सेक्शन काट उसको हॉलो शेप दे सकता हूँ बाय ओपनिंग कमांड, ओके। तो ये आज का, थैंक यू।